दोस्तों विशेषकर एन एस के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं अर्जुन के विषय सोशल साइंस। और आज वीडियो में देखा जाए चैप्टर 22 से मैं आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन की तैयारी अभी एक नहीं बल्कि कई बार करिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन आंसर से। तो यहाँ देखा जाए प्रश्न नंबर, यहाँ पर पहले की बात करते हैं तो पहले प्रश्न पहले वहाँ से बताया जाता है, सवाल किया जाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसहभागिता से। आपको समझते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अब इसमें लोगों की जनसहभागिता कैसे होती है। जनसहभागिता का आशय है लोकतंत्र में जनता की सहभागिता। इनके अतिरिक्त जनसहभागिता आम बहस, समाचार पत्रों के संपादकीय विरोध प्रदर्शन तथा सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। चुनाव प्रक्रिया में संदर्भ में भी इसमें प्रचार में भागीदारी, राजनीतिक बहस, राजनीतिक दलों के लिए काम करना तथा प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना शामिल है। लोगों का व्यवहार जिसके द्वारा वे प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं जनसहभागिता कहलाता है। यानी अपना व्यक्ति जो देखा जाए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना भाग ले सकता है राजनेताओं से सवाल वगैरह करके, अपना देखा जाए खुद अपना राजनेता के तौर पे अपना खड़े होके, इसके अलावा देखा जाए अपना वोट देकर अपना जनसहभागिता अपना कर सकता है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न दो की। प्रश्न दो आपसे कहा जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों से आपको समझते हैं कि हमारे देखा जाए चुनाव जो होते हैं हमारे दो तरह से होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव एक हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव, ये डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है हमारा पर इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष चुनाव हमारे देखा जाए होते क्या है। प्रत्यक्ष चुनाव में लोग अपने मतदाता मतपत्रों द्वारा विधायी निकायों, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं अपने डायरेक्ट वोट देके। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी पद होते हैं जिसपे जनता का डायरेक्ट वोट नहीं होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कुछ विशेष पदों के लिए मत डालकर लोगों का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब हमारे देखा है अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती बल्कि जनता द्वारा जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो आगे अपना वोट करके कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग होते हैं उनको अपना चुनते हैं। तो ये हमारा बनता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में अंतर। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखा जाए मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत सारे गलती है कि जो मैंने पढ़ाई को लेकर वीडियो डाल रखी है। ऑलमोस्ट आपके जो भी स्टूडेंट बनते हैं तो सभी को मैंने अपना डाल रखा है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आप अपने ऑल सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल जो सब्जेक्ट आपके बनते हैं आप उन सबकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ देखा जाए फ्री है और मैं आपसे देखा जाए किसी तरह का अपना देखा जाए कोई पेमेंट का चार्ज नहीं करता हूँ। लेकिन बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप जो है अपना दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि आप जो है पर अपने साथ साथ आप खुद तो तैयारी करिए करिए लेकिन साथ में आप उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, कि जितना आपको ज़रूरत है उतने देखा जाए आपके दोस्तों को भी इन वीडियो की ज़रूरत है ताकि वो भी अपने अच्छे से अपना पढ़ाई कर सके, समझ सके। तो यहाँ देखा जाए मेरे लिए इतने काफ़ी है कि आप इस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न तीन की। प्रश्न तीन में कहा जाता है निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है निर्वाचन आयोग का जो हमारा गलत है गठन कैसे होता है। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और कुछ चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या राष्ट्रपति कानून के अनुसार तय करते हैं। वर्तमान में भारत के निर्वाचन में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये हमारा गलत है कि होता है यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग ईडी होता है हमारे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार से कहा जाता है लोकतंत्र में चुनावों के महत्व की व्याख्या करें कि हाँ देखा जाए आपको बताना है लोकतंत्र है लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों का महत्व, जनतंत्र प्रणाली में राज्य की शक्ति जनता के पास होती है और वह उसका प्रयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है। आज प्रत्यक्ष जनतंत्र तो संभव नहीं है इसलिए जनता के प्रतिनिधि ही जनता के नाम पर शक्ति का प्रयोग करते हैं और ये प्रतिनिधि निर्वाचनों के माध्यम से अपना पद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार निर्वाचन ही जनमत का आधार है। निर्वाचन भी थोड़े थोड़े समय पर तथा निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। निर्वाचनों द्वारा जनता पिछले सरकार के कार्यों को अच्छा या बुरा घोषित करती है और उसे आगे के लिए सत्ता के प्रयोग का अधिकार देती है। निर्वाचन ही जनतंत्र प्रणाली का वेद बनाते हैं, उसे प्रबल बनाते हैं। तो ये हमारा होता है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। यानी कि हमारा देखा जाए लोकतंत्र तभी करते कि हमारा बन सकता है, मौजूद सकता है जब यहाँ पे हमारे क्या हो इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन हमारी एक ऐसी ताकत है जो किसी भी सरकार को जो स्थायी होने नहीं देती है। होता है क्या, सत्ता परिवर्तन भले ही कहते लंबे समय बाद हो लेकिन होता है। और कैसे होता है, जनता के द्वारा।
तो ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देखा जाए सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, जनता की ताकत मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न पाँच की। प्रश्न पाँच में से कहा जाता है मतदाता सूची क्या होती है, जिसे कहा जाता है यहाँ पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो वोटर लिस्ट क्या होती है आपको ये बताना है। मतदाता सूची, मतदाता सूची चुनावों में मतदाता सूची का बड़ा महत्व है। चुनावों से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले वयस्क अधिकारियों नागरिकों की एक सूची तैयार की जाती है और उसे प्रकाशित किया जाता है। एक निश्चित तिथि तक कोई भी नागरिक यदि उसका नाम उसमें ना लिखा हो तो वह अपना नाम लिखवा सकता है। चुनाव लड़ने के लिए भी यह आवश्यक है कि उस नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो। चुनाव के दिन भी केवल उन्हीं मतदाताओं को मत डालने का अधिकार दिया जाता है जिनका नाम कद इस सूची में दिया गया है। तो ये बनती है मतदाता सूची। तो मतदाता सूची हमारा इलेक्शन टाइम पे बनाई जाती है, उसको रिफ्रेश किया जाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे समय से कुछ वोटर होते हैं वोट नहीं देते हैं, तो ऐसे में देखा जाए ऐसे जो हमारे जो अपना एक लॉन्ग अब्सेंट जो हमारे वोटर बनते हैं उनको वोटर लिस्ट से उनको हटा दिया जाता है। कई साल हो चुके हैं अपना देखा जाए 15-20 इससे ज़्यादा साल हो चुके हैं वोट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए उनका जो नाम है वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। और जो नए वोटर होते हैं उनका वोटर का जो नए वोटर्स होते हैं उनका जो नाम है उनका वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो एक रिफ्रेश लिस्ट होती है, एक फ्रेश लिस्ट होती है, इसको तैयार किया जाता है। ये मतदाता सूची होती है। अगर कोई भी यहाँ पर देखा जाए अपना कोई प्रत्याशी है जो अपना अपना खड़ा होना चाहता है तो उसका भी देखा जाए वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये बनती है हमारा मतदाता सूची। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न छः की। प्रश्न छः हमसे कहा जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि जो हमारा अपना निर्वाचन आयोग होता है उसके प्रमुख कौन कौन से काम होते हैं। तो देखा जाए बहुत सारे काम होते हैं और यहाँ देखा जाए मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ और इन पॉइंट्स को आपको खुद ही एक्सप्लेन करना है। देखा जैसे संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनावों को सुचारू से संपन्न कराना, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों को संपन्न करवाना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना या उनकी मान्यता रद्द करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना और यहाँ पर सरकार को चुनाव सुधार के सुझाव देना, ये हमारा निर्वाचन आयोग के कुछ प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं लेकिन ये हमारे क्या बनते हैं कुछ प्रमुख काम बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न सात की। प्रश्न सात में ऐसा कहा जाता है चुनाव याचिका का क्या अर्थ है, भारत में इसकी सुनवाई कौन करता है, चुनाव याचिका होती क्या है, चुनाव याचिका होती क्या है और ये क्यों की जाती है और उसकी सुनवाई कौन करता है। चुनाव याचिका किसी प्रतिनिधि के चुनाव के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई या मुकदमे को चुनाव याचिका कहते हैं। जो उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई अनियमितताओं तथा अवैध कार्यों के आधार पर की जाती है जिसमें चुनाव को चुनौती दी जाती है। भारत में इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट द्वारा की जाती है। तो ये हमारा मतलब चुनाव याचिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न आठ की। प्रश्न आठ में ऐसा कहा जाता है निर्वाचन अधिकारी के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है निर्वाचन अधिकारी क्या कौन होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। तो जिसे कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। तो यहाँ पर देखा है निर्वाचन आयोग में हमारा एक जो व्यक्ति होता है उसका नाम क्या होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके काम क्या होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव संबंधी समस्त कार्यवाही वह करता है। प्रत्याशी नामांकन पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वही उनकी जांच पड़ताल करता है, वेरिफिकेशन वगैरह करना डॉक्यूमेंट की, चुनाव केंद्रों पर स्टाफ की नियुक्ति करना और मतों की गिनती करवाना तथा चुनाव परिणाम की घोषणा करता है। उसकी सहायता के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये हमारा देखा जाए कौन होता है निर्वाचन अधिकारी, हमारा रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जिसके काफ़ी सारे महत्वपूर्ण काम हैं जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में कहा जाता है चुनाव घोषणा पत्र की क्या उपयोगिता है। तो यहाँ आपको बताना है मैनिफेस्टो, कि यहाँ पर देखा जाए जब भी कोई इलेक्शन वगैरह होता है तो वहाँ की जो भी पार्टी होती है वो पार्टी अपना बना के लेकर आती है अपना मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो को आम भाषा में अपने बोल सकते हैं हम अपना वादा पत्र, मतलब यहाँ पर देखा जाए जब कोई अपना पार्टी आती है तो वो जनता से अपने कुछ वादा करती है, कुछ अपने बारे में बताना चाहती है कि अगर हम चुनाव जीते हैं तो हम क्या करेंगे, वो हमारे कहलाता है चुनाव घोषणा पत्र। तो जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हमें अपना चुनाव घोषणा पत्र की उपयोगिता। देश में आम चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करता है। इस घोषणा पत्र में राजनीतिक दल देश की आंतरिक तथा विदेशी समस्याओं पर अपनी नीति तथा कार्यक्रमों को स्पष्ट करता है और मुख्य बातों पर प्रकार डालता है जो सत्ता प्राप्त होने की स्थिति में वह दल करना चाहता है, कि अगर चुनाव जीत गया तो वह क्या करेंगे, इन चीज़ों को लेकर अपना बनाया जाता है मैनिफेस्टो। राजनीतिक दल के वादे इस घोषणा पत्र में दिए होते हैं।
इन घोषणा पत्रों का बड़ा महत्व होता है और उनकी उपयोगिता ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होती है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सरल युक्ति है जिसका प्रयोग मत पत्र और मत पेटियों के स्थान पर किया गया, जिनका प्रयोग पहले पारंपरिक चुनाव प्रणाली में किया जाता था। पहली बार इसका प्रयोग सन 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों में हुआ। भारत में 2004 में के आम चुनावों के दौरान कुल 10.75 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कराया गया। तो ये हमारा बनता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनता है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ईवीएम मशीन बोलते हैं। ईवीएम होती है हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे आजकल से काफ़ी कहते हैं कि एडवांस हो चुकी है और काफ़ी कहते हैं सरल होती है। और इसमें देखा जाए, इसमें काफ़ी देखा जाए, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ये हमारी होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो काफ़ी ईजी है और काफ़ी हमारा देखा जाए इसका जो है संग्रह काफ़ी अच्छा है। काउंटिंग होने में भी देखा जाए बहुत आसानी होती है। और हमारे देखा जाए काफ़ी अब जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो ईवीएम मशीन है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है ईवीएम मशीन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखा जाए अभी तक मैं देखा है आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, और यहाँ आपको करना क्या है, आप इन क्वेश्चन आंसर को दोबारा से अच्छे से करिए ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से आ सके। और यहाँ देखा जाए मैंने आपके लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए मैं आपसे किसी तरह की पेमेंट वगैरह नहीं लेता हूँ, और आपके लिए सब कुछ क्या है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर अपना फ्री है यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। लेकिन साथ में देखा जाए बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों साथ को शेयर करें, कि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत क्या है आपके दोस्तों को भी है, कि आपने जो है बार बार इनकी तैयारी करिए, पढ़िए, ताकि आपके पास होने चांस बढ़ सके, आपकी परसेंटेज अच्छी आ सके। साथ में अपने दोस्तों साथ शेयर करेंगे तो भी उनकी भी क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है, कि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत है आपके दोस्तों को भी ज़रूरत है इन वीडियो की। तो अपने दोस्तों साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।